शासन के निर्देश पर जनपद में सभी अधिकारी बाढ़ से बचाव के लिए राहत चौपाल लगाएंगे, जिसके संबंध में एसडीएम सदर नेहा सिंह बंधु ने बताया कि शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है कि सभी अधिकारी गांव में राहत चौपाल लगाएं, जिसको देखते हुए राहत चौपाल लगाया जाएगा, जिसमें सभी विभाग के लोग रहेंगे और लोगों को व्हाट्सएप माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे बाढ़ से बचाव किया जा सके। उनको बताया जाएगा कि बाढ़ की क्या तैयारियां हैं। उन्होंने बताया कि गांव में पशुपालन विभाग द्वारा बाढ़ से पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी और सिंचाई विभाग की तैयारियों से अवगत करवाया जाएगा, जिससे कि बाढ़ के समय बचाव किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा, जो संभावना के दृष्टिगत राहत चौपाल का हमें शासन से आदेश हुआ है, तो इसके दृष्टिगत राहत चौपाल में क्या है, हमारे यहाँ जैसे सदर में जैसे 37 गाँव में हम राहत चौपाल का आयोजन करेंगे। इसमें विभिन्न विभागों के लोग रहेंगे, उसमें जो लोकल लोग हैं वहाँ पे कम से कम 35 लोगों को जो है एक व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनको सारा ये जोड़ा जाएगा और ये बताया जाएगा कि बाढ़ की के दृष्टिगत हमारी क्या क्या तैयारियां हैं। पशु विभाग वाले जो वहाँ पे पशु हैं उनके वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी करेंगे, उनका पूरा वैक्सीनेशन बाढ़ से पहले हो जाए। जो चिकित्सा विभाग है और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा हैं, तो उसमें उनको जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको संक्रमण होने की ज़्यादा संभावना है बाढ़ के दृष्टिगत, तो उनकी ये कोशिश रहेगी कि उनको उनकी सुरक्षा बाढ़ में ज़्यादा ठीक हो जाए और उनकी जो वैक्सीनेशन और जो भी उनकी प्रक्रियाएं हैं वो समयावधि से पूरी हों। इसके अतिरिक्त जो लेखपाल हैं, जो वहाँ के सचिव हैं जिनका लोगों से कनेक्ट ज़्यादा है, जो लोगों जो लोकल गाँव में इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनका सहयोग हमें प्राप्त हो, उनको ये जानकारी हो कि सिंचाई विभाग वाले इसमें कहाँ क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, हमारी क्या तैयारियां हैं। यदि उनको कोई भी आपत्ति होती है तो उनको ये पता रहे कि बाढ़ चौकी यहाँ स्थित है, बाढ़ राहत शिविर यहाँ बनाया गया है, उसमें इन इन लोगों की ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और उन लोगों के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो उनको जानकारी हो कि हमें अगर विपत्ति आए, हमें जब कोई भी इमरजेंसी के टाइम किससे हमें संपर्क करना है। तो बाढ़ राहत चौपाल का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि जो लोकल लोगों को समझ में आए कि कौन क्या है, कौन अधिकारी कौन है, कौन कर्मचारी कौन है और किस तरह से हम जब बाढ़ आए तो हम उसमें अच्छे से जो प्रिपरेशन हमारी ऐसी रहे कि जो उससे जो क्षति हो वो मिनिमम टू मिनिमम रहे।